अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज इशू ये है कि कुछ हमारे व्यूअर्स हैं, उनका ये कहना है कि गाड़ी के फ्यूल एवरेज को किस तरह अच्छा किया जा सकता है ये बताएं। तो फ्यूल एवरेज को बेहतर करने के लिए, गाड़ी के लिए आपके लिए कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले गियर से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कभी भी सिग्नल पे स्टॉप करते हैं तो आप डी से न्यूट्रल पे कर दें गाड़ी को, जब भी आप, जैसे जितना टाइम भी आप सिग्नल पे खड़े हुए हैं। उसके बाद ये है कि गाड़ी का आपका जो भी इकोसिस्टम, इको मोड है, जैसे ये यहाँ पे इसका इको का बटन है, इस तरह का इको का आपका बटन होगा गाड़ी में, तो उसको आप ऑन रखें। और उसके बाद हम आपको बताते हैं गाड़ी के जो टायर्स हैं उसमें फ्यूल एवरेज का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहले तो गाड़ी के टायर्स, आपकी जो फेंडर शील्ड है, इसके अंदर गाड़ी के टायर का साइज आना चाहिए। उससे फ़ायदा ये भी है कि जैसे आपकी गाड़ी अगर कीचड़ वगैरह या इस तरह की जगह पे जाती है तो वो टायर जब गाड़ी का चलता है तो उसके निशान बाहर नहीं होंगे। अगर टायर ओवर साइज नहीं होगा तो निशान बाहर नहीं होंगे। टायर अगर फेंडर से अगर बाहर होगा तो वो कीचड़ के निशान आपके पूरे गाड़ी पर भी होंगे। और दूसरा, टायर जो है वो गाड़ी के हिसाब से होना वो इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि जब टायर गाड़ी के हिसाब से जो कंपनी बनाती है तो वो उसकी फ्यूल एवरेज को देखते हुए बनाती है। तो आपने गाड़ी का टायर जो है उसको गाड़ी के हिसाब से आपने रखना है कि गाड़ी के आपके हिसाब से जो टायर्स का साइज़ इसमें सूट हो, जो ओरिजिनली कंपनी ने दिया हो, वो आपने रखना है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि अगर सपोज़ फिर भी आपका मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो आपने इसकी करवानी है ट्यूनिंग, ठीक है। ट्यूनिंग में आपके जो भी मैकेनिक वगैरह है वो इसके प्लग वगैरह वॉश करेगा। प्लग के साथ साथ ये इसका फ्यूल का सेंसर लगा हुआ है तो इसको भी वो खोल खोल के वॉश करेगा, ठीक है। और इसके बाद आपने ये इसका कैट है जहाँ इसका ये फ्यूल का सेंसर लगा हुआ है, इस कैट को आपने लाजमी वॉश कराना है। क्योंकि अक्सरियत से ये होता है, ये लोगों को पता ही नहीं होता कि कैट जो है वो आपकी, समझ लें कि गाड़ी सांस जहाँ से लेती है कैट आपकी वो चीज़ है। अगर कैट आपका गाड़ी का नहीं खुला हुआ होगा तो गाड़ी सांस नहीं लेगी, गाड़ी चलेगी भी घुट के और उसका फ्यूल एवरेज भी अच्छा नहीं होगा। तो ये थी आज की छोटी छोटी टिप्स फ्यूल एवरेज के हवाले से। और बाकी ये है कि गाड़ी को आप जो है टच पैडल पे इस्तेमाल करें, मतलब टच पे ही रख के इस्तेमाल करें ताकि वो अपने फ्यूल एवरेज को मेंटेन रखे। टायर्स इसमें बहुत बड़ा मैटर है, टायर्स को आप लाजमी जो है अपने गाड़ी के हिसाब से डालें। और बाकी आपको जो मैंने कैटलिक और इसका ट्यूनिंग का बताया है वो चीज़ आप लाजमी करवा लें अगर आपकी गाड़ी एवरेज नहीं, अच्छा नहीं दे रही, तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी एवरेज अच्छा देगी। और अलाइनमेंट, टायर जैसे आप चेंज कराते हैं कुछ भी है तो अलाइनमेंट गाड़ी की जो है ना वो ओके होनी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि अगर अलाइनमेंट गाड़ी की ओके नहीं होगी और गाड़ी का एक टायर जो है वो किसी दूसरी तरफ उसका अगर रुख होगा तो वो जो है पूरा इंजन का जो है प्रेशर ले रहा होता है, मतलब जो है पूरी जान ले रहा होता है, तो आपकी गाड़ी कभी भी उसमें अच्छा एवरेज नहीं देगी पेट्रोल का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप जो है मेंटेन रखें अपनी गाड़ी की। और ऑयल फिल्टर वगैरह ये सारी चीज़ें आप गाड़ी की अपडेट रखें तो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज बेहतर देगी पहले से। बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।